देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बड़ी खबर आपको दे दें, गायक अदनान सामी को भारत की नागरिकता सौंप दी गई है। उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किरण रिजिजू गृह राज्य मंत्री उन्हें भारत की नागरिकता सौंपते हुए पिछले काफी समय से अदनान सामी इस कोशिश में थे कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाए। 15 अगस्त 1973 को लंदन में जन्मे पाकिस्तानी मूल के अदनान सामी को फिलहाल भारतीय नागरिकता अब मिल गई है। यतेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यतेंद्र, अपने सहयोगी के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए कितने खुश होते हुए अदनान सामी आपको दिखाई दे रहे हैं। अपने फैमिली के साथ उनकी पत्नी आपको दिखाई दे रही हैं और किरण रिजिजू गृह राज्य मंत्री उन्हें ये सर्टिफिकेट प्रदान करते हुए। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, इस दिन का अदनान सामी को बेसब्री से इंतजार था और नए साल पर इससे बड़ा तोहफा उनके लिए और कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, बिल्कुल अदनान सामी के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर इसको देखा जा रहा है। पिछले 2 सालों से अदनान सामी इस बात के लिए प्रयास कर रहे थे कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाए। इससे पहले वो सरेंडर अपनी पाकिस्तान की नागरिकता कर चुके थे, लेकिन पिछली बार उन्होंने जो आवेदन किया था वो यूपीए सरकार में खारिज कर दिया गया था और फिर उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत आवेदन किया। हालांकि पहले बीजेपी इस उनकी नागरिकता का यहाँ पर विरोध कर रही थी कि अदनान सामी क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक है, पाकिस्तान के बासिंदे हैं, इस वजह से उनको यहाँ की नागरिकता ना दी जाए। लेकिन अब जबकि खुद बीजेपी की सरकार है केंद्र में और उन्होंने ही फॉरेन पॉलिसी के तहत अदनान सामी को भारत की नागरिकता दी है, तो एक बड़े मैसेज के तौर पर भी बीजेपी इसको देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि पहले जहां विरोध था वहीं अब एक अल्पसंख्यक समुदाय और खासकर पाकिस्तान से होने के बावजूद भी अदनान सामी को भारत की नागरिकता दी गई है। जी चलिए, शुक्रिया यतेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। लिव इन कराची 1986 में ये पहला एल्बम था अदनान सामी का। फिलहाल वो कई सालों से हिंदुस्तान में रह रहे थे और जैसा कि यतेंद्र हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, पिछले 2 सालों से बहुत मशक्कत वो कर रहे थे हिंदुस्तान की नागरिकता पाने के लिए और आज 1 जनवरी यानी कि नए साल के मौके पर उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता मिल गई है। एक छोटे से